नमस्कार दोस्तों, मातेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कोहिनूर फुलवेल के बारे में, जिसे हाई ट्विस्टेड फुलवेल भी कहा जाता है। फुलवेल बोले तो टर्बन क्वालिटी, जो अपन टर्बन के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसकी अपन क्वालिटी की बात करेंगे, कलर रेंज की बात करेंगे, साथ साथ इसकी पैकिंग, फोल्डिंग और डिस्पैचिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको पहले बता दूं इसकी क्वालिटी की, और चलते हैं अपन क्वालिटी अपन देख लेते हैं क्वालिटी किस तरह की आपको जो इसमें मिलेगी। प्योर कॉटन में 100% कॉटन ये कपड़ा रहता है। 105 सेंटीमीटर का इसका पन्ना रहेगा। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन क्वालिटी जो है आपको इसमें मिलेगी। अब मैं आपको इसकी कलर रेंज दिखा देता हूँ, कलर रेंज कितनी कलर आपको मिलेंगे। इसको 150 प्लस कलर जो है अपने पास इसमें रेडी रहते हैं फुलवेल के अंदर, कोहिनूर फुलवेल के अंदर। अब अपन इसकी फोल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसमें जो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये माल जो है फोल्डिंग हो रहा है, बाय मशीन भी होता है, बाय लेबर भी होता है। इसमें एक एक मीटर की चेकिंग होती है, अगर वीविंग मिस्टेक्स होती है जो निकाल दी जाती है। साथ ही इसके बाद इसमें दो दस्तरी जो है लगाई जाती है और उसमें माल को फोल्ड किया जाता है। 50 मीटर का जो है कट रहता है, देख सकते हैं आप, ये माल को फोल्ड कर दिया गया। अब इस पर जो भी मीटर रहेगा वो लिखा जाता है, जैसे 50 मीटर का कट रहता है मेनली। इस तरह माल जो है फोल्ड हो गया है। अब मैं आपको इसकी पैकिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, किस तरह जो है माल एक एक थान पर जो है ब्रांडिंग लेबलिंग लगा के उसके बाद डबल पॉलीथीन के साथ इसकी टेपिंग की जाती है, जिससे ये माल ख़राब ना हो सके। अक्सर ट्रांसपोर्ट में जो है पार्टी के पास 3 से 4 दिन में माल पहुँचता है, तो माल जो है ख़राब हो जाता है। इसके हिसाब से उसके डबल एच एम शीट भी लगाई जाती है, जिससे माल ख़राब ना हो सके। 24 थान का जो है पार्सल रहेगा, इसमें जो 6 बंडल जो है बंधेंगे, आप देख सकते हैं। ये जो स्टिकर जो है हमारी खुद की ब्रांडिंग का है, मातेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी का, स्विस फुलवेल का। ये पार्सल जो है सभी रेडी हो चुके हैं। अब ये जो है कार्टून पैकिंग के थ्रू पैक होंगे, जिससे ये ट्रांसपोर्ट में भेजे जा सके। देख सकते हैं किस तरह ये जो माल जो है पैक जो हो रहा है। इसके बाद ये माल रेडी होकर ये ट्रांसपोर्ट में